हेलो गाइस, नवे फूड ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैगी है। हम मैगी से ही नई रेसिपी बनाएंगे। इसको मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया है पानी में। सिर्फ पानी लिया है और कुछ नहीं डाला इसमें। तो ये मैगी हमारी फूल गई है, ये देखिए। और यहाँ है हरा धनिया, और यहाँ हमने एक प्याज ली है, और 2 हरी मिर्च है, थोड़ा कड़ी पत्ता है, और आधा नींबू है। और यहाँ है मैगी का मसाला, और ये है चाट मसाला, और यहाँ है हींग, और कुछ हमारे सूखे मसाले जाएंगे, और है बेसन। तो ये रहा बेसन। हमारी नई रेसिपी क्या है? मैगी के पकोड़े। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने मैगी भिगो के रखी हुई है उसको इसमें डाल लेते हैं। हमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ मैगी को ही निकाल के डालना है। तो यहाँ मैगी हो गई हमारी। अब जो हमने ये प्याज हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, अब हम वो भी डाल देते हैं। और ये कड़ी पत्ता है, अब हम इसको भी तोड़ के डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। ये नींबू है, नींबू का रस डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे ये मैगी का मसाला, थोड़ा सा हींग, आधी चम्मच चाट मसाला, कुछ हमारे जाएंगे सूखे मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक, आप स्वाद के अनुसार डालें, और हरा धनिया। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम डाल लेते हैं बेसन। बेसन हमें उतना ही डालना है जितने में हमारे मैगी मिक्स हो जाए। पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स करते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको। तो जब तक हमारा ये पकौड़ों का मिश्रण मिक्स होता है, हम गैस को ऑन कर देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सभी को हमने मिक्स कर लिया है, और हमने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि ये इसी में मिक्स हो गया है। और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पकोड़े उतारना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा तेल को ठंडा होने देते हैं, और तभी हमें पकौड़ों को इसमें उतारना है। तो यहाँ हम थोड़ा पानी लगा लेते हैं, और थोड़ा सा इस तरीके से पकौड़ों का बैटर लेंगे और इसको इस तरीके से तेल में डाल देंगे। तो हमें सभी इसी तरीके से डालने हैं। यहाँ देखिए, मैंने सभी पकौड़ों को डाल दिया है। अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। तो लो फ्लेम पे हमें इसलिए पकाना है क्योंकि ये पकौड़े अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। तो देखिए, हमारे एक साइड से पकौड़े हो गए हैं। अब हम इनको पलट देते हैं।
तो यहाँ देखिए हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं, और हम क्या करते हैं इनको निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम और पकोड़े डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैगी के पकोड़े तैयार हैं और हमने यहाँ पे सर्व कर लिए हैं। तो देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं और ये क्रंची भी हैं, आप एक बार ट्राई करें। गाइस, अगर मेरे मैगी के पकोड़ों की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।